अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो देखो, आई एम स्टडी। देखो वेलू बेस्ट क्वेश्चन, रियाज नेबर्स वेंट टू चेन्नई फॉर 20 डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक है, तो रियाज नेबर, रिया का पड़ोसी कहाँ गए थे घूमने के लिए, समर वेकेशन बिताने के लिए, चेन्नई, फॉर हाउ मेनी डेज, 20 डेज। दे रिक्वेस्टेड रियाज मदर टू टेक केयर ऑफ देयर प्लांट्स इन देयर एब्सेंस। तो पड़ोसी क्या रिक्वेस्ट किया कि रिया सब को रिक्वेस्ट किया कि वो सब नहीं रहेंगे तो उसका क्या, टेक केयर ऑफ देयर प्लांट्स इन देयर एब्सेंस, वो सब नहीं जब रहेंगे तब उसको ध्यान देना है ना, प्लांट्स, पेड़ पौधा जो है उसमें पानी पटाना है। तो रिया एंड हर मदर आई टूक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पीली। तो रिया और उसका माँ ने ये क्या रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम सब उसको ध्यान देंगे, अच्छा से सबको पानी देंगे। दे वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, तो रेगुलर जब सब वो सब रिया नेबर चले गए तो सब पानी देने लगे। दे वाटर द प्लांट्स रेगुलरली एंड शील्डेड देम फ्रॉम हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे टाइम। और उधर मैटर है ना, तो दिन में गर्मी के, गर्मी से बचाया भी है ना, उसमें कोई ऊपर शेड दे के वेन द, हाँ म्यूट रखो सब, वेन द नेबर रिटर्न होम। अब नेबर प्रति उसका जो पड़ोसी जब वापस आए, दे थैंक रिया एंड हर फैमिली, तो उसको रिया को धन्यवाद दिया, उसका फैमिली को भी, फॉर टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर प्लांट्स। क्यों ना, दे केयर्ड सो नाइसली एंड देयर प्लांट्स आर एज इट इज फ्रेश एंड लाइव। तो देखो इन व्हाट क्वेश्चन, अब लिखना आंसर देना, इन व्हाट वेज रिया एंड हर मदर टूक केयर ऑफ द प्लांट्स, बोलो इन व्हाट वेज दे टूक केयर ऑफ देयर प्लांट्स। शिवम, ये क्या नाम रे शिवम, सौरभ, बाय गिविंग वाटर एंड बाय शील्डिंग देम फ्रॉम हीट ऑफ द सन, बाय शील्डिंग देम, ढक के है ना, काफी धूप है तो धूप से बचा के तो उसके लिए क्या लिखोगे, दे वाटर द प्लांट्स रेगुलरली। और नंबर टू, दे शील्डेड द प्लांट्स फ्रॉम हीट ऑफ द सन, यानी ज्यादा हीट से बचा कर रखा था है ना, सनलाइट से भी बचाया था। अच्छा आगे देखो, स्टेट द क्वालिटीज ऑफ रिया दैट आर डिपिक्टेड इन दिस सिचुएशन। तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ रिया, बोलो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ रिया। रिया इज हेल्पफुल, रिया इज सिंसियर, रिया इज कोऑपरेटिव, लिख लो रिया इज हेल्पफुल, लिखो हेल्पफुल। पेंसिल है। रिया इज हेल्पफुल, HELPFUL, रिया इज हेल्पफुल, सिंसियर, SINCERE, सिंसियर है ना, SINCERE, सिंसियर को है ना, और कोऑपरेटिव। रिया इज हेल्पफुल, देखो HELP, हेल्प, यहाँ नीचे लिखो ये वाला हेल्पफुल, वो तो ऊपर वाला में हो गया। रिया इज हेल्पफुल सिंसियर, SINCERE, सिंसियर, रिया इज हेल्पफुल एंड सिंसियर। अच्छा रिया इज ओबीडियंट भी लिख सकते हो, OBEDIENT, बात को जो पालन करता है उसको ओबीडियंट कहते हैं। ठीक है, और व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ रिया एंड हर मदर हैड नॉट टेकन केयर ऑफ देयर नेबर्स प्लांट, नाउ द प्लांट्स वुड हैव डाइड, हाँ द प्लांट्स वुड हैव डाइड। हाँ तो ठीक है, कनेक्शन भी आ जाएगा, डिस्कनेक्ट हो रहा था, कनेक्ट भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स बना देंगे, अटेंडेंस बना देंगे। देखो डैश आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, कौन बोलोगे, हाँ प्लांट्स लाइक डैश रिप्रोड्यूस थ्रू रूट्स, डालिया, DALIA, हाँ प्लांट्स लाइक डालिया रिप्रोड्यूस, अच्छा डैश एंड डैश आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, हाँ कार्बन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, डैश इज ए स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन द सीड, माइक्रोपाइल, अच्छा मूवमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। अच्छा
हाँ मैचिंग देखो, मैचिंग सब आएगा, सब पैटर्न क्वेश्चन आएगा। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट सीड इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा हाँ, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन लीव्स, क्लोरोफिल, सब मैच करो, अगर नहीं किया तो मैच कर लो। ए फ्रूट दैट डज नॉट बियर सीड, बनाना, ठीक है। हाँ, रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, ब्रायोफाइलम, ठीक। और डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू क्रैकिंग, डिस्पर्स सीड थ्रू क्रैकिंग इज पी एंड लेडी फिंगर, ठीक है। हाँ, और देखो टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्मॉल बेबी प्लांट कमिंग आउट ऑफ सीड इज नोन एज सीडलिंग, डी डी वाला। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ए। हाँ, और विच ऑफ, हाँ विच ऑफ दिस प्लांट्स हैज ओनली वन कोटिलीडन, व्हीट, सी, है ना, सी वाला। हाँ, और प्रॉपर, फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ए सीड नीड्स, डी वाला, वाटर, हाँ वाटर, एयर एज वेल एज अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, यानी वर्म, वर्म, ठीक है। तो ये तो ए बी सी हो गया। आप देखो डी, ये फाइव वाला, लोटस सीड्स आर डिस्पर्स मेनली थ्रू वाटर, ठीक है। हाँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाओ डी का, टू फोर, टू फोर। और ई का, हाँ ई का वन थ्री सिक्स, ई का वन थ्री सिक्स, सेवन भी, सेवन भी। ये तो हम देखो परसों भेजे थे, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजे थे सबको, मिला था ना इम्पोर्टेंट। ई में वन थ्री सिक्स सेवन, वन थ्री सिक्स सेवन। डी में, डी में टू, टू और फोर, है ना, टू और फोर। चलो चैप्टर टू, चैप्टर टू आ जाओ, चैप्टर टू, चैप्टर टू आ जाओ। हाँ, चैप्टर टू में देखो, चैप्टर टू का एम सी क्यू का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पहले देखो। हाँ, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखो, रिधि पेज नंबर निकालो 37, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 टिक लगाओ डी का, डी का वन, हाँ टू, डी का वन टू फोर, वन टू फोर, इम्पोर्टेंट, वन टू फोर। फाइव भी, फाइव 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 है, छोटा छोटा सब ही इम्पोर्टेंट, डी का सब इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, डी का ऑल आर इम्पोर्टेंट। ई का देखो, ई का वन फोर, वन एंड फोर, हाँ बाकी सब आएगा तो कर ही पाओगे, है ना, ये सब। अब देखो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखो, हाँ देखते हैं कितना आया है, एक बार फोटो ले लेते हैं सबका, ठीक है ना। हाँ देखे कितना, 18 पार्टिसिपेंट्स हुआ है जी, 18 पार्टिसिपेंट्स हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। हाँ फोटो ले लेते हैं, फोटो ले लेते हैं, रुको एक मिनट। हाँ एक का तो हो गया, फिर हरिओम से लेके, हरिओम, अच्छा कौन कौन कर जा रहा, हाँ फिर कौन कौन है सिर्फ से लेके, अच्छा ठीक है, चलो हो गया सर। हाँ चलो 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 चलो, बीबी क्यू, बीबी क्यू चैप्टर टू का देखो, रिधि विजिटेड कुल्लू मनाली ड्यूरिंग हर वेकेशन, कहाँ घूमने गया था वेकेशन में, समर वेकेशन में, कुल्लू मनाली, रिधि, सी ग्लांस्ड एट शॉप्स, तो सारे दुकान को देखने, ताक के देखने लगे, है ना, हैं आँख खोल के देखते गए, बहुत सारे चीज़ था, विथ सो पीसेस, हाउस होल्ड आइटम्स, सो पीस था, हाउस होल्ड आइटम्स था, डेकोरेटिव आइटम्स था, की रिंग्स था, ज्वेलरी बॉक्सेस था, ठीक है ना। शी वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गिफ्ट आइटम मेड ऑफ वुड, तो उसको कौन सा पसंद आया था, शी वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गिफ्ट आइटम्स मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ गिफ्ट आइटम्स उसको ज़्यादा पसंद आया। शी वॉन्टेड टू बाई सम सच गिफ्ट्स फॉर आर फ्रेंड्स, तो उसका दोस्त के लिए वो कुछ खरीदना चाहिए, है ना, उसने खरीदना, खरीदने का सोचा। हर मदर सजेस्टेड दैट शी शुड बाय फ्रेश फ्रूट बॉक्सेस ऑफ चेरीज पीचेस एंड एलमंड्स एज गिफ्ट टू हर फ्रेंड, तो जो रिधि चॉइस की थी गिफ्ट वुड गिफ्ट आइटम्स, लेकिन उसका माँ का चॉइस क्या है ना, फ्रूट बॉक्सेस, ठीक है, फ्रूट्स ऑफ चेरीज पीचेस एलमंड्स एज गिफ्ट,
है ना, उसको दोस्त के देने के लिए। रिधि एग्रीड टू हर मदर, तो रिधि मान लिया उसका माँ का जो प्रपोजल था या इच्छा था, माँ का बात मान ली एंड डिड नॉट बाई आइटम्स मेड ऑफ वुड, और लकड़ी वाला नहीं खरीदी। ठीक है, तो अदर क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, व्हाई डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक हैड हुड, हु डू यू थिंक हैड मेड द बेटर चॉइस ऑफ परचेजिंग द गिफ्ट्स, है ना, किसका चॉइस बेहतर था, है ना, हु डू यू थिंक हैड मेड द बेटर चॉइस ऑफ परचेजिंग, रिधि और हर मदर, किसका चॉइस बेटर था बोलो, मदर, हाँ मदर, क्यों ना, गिफ्ट फूड पैक्स जो है या फ्रूट पैक्स जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है क्या नहीं, और खिलौना वो तो रह जाएगा, हाँ खिलौना ऐसा रहता ही है हर एक का घर में, खाने पीने का चीज़ जो नया जगह जाने से नया चीज़ मिलता है वो भी चाहिए, तो हर मदर मदर्स सजेशन वाज गुड, चॉइस वाज गुड। मेक ए लिस्ट ऑफ फाइव थिंग्स यूज्ड एट होम और स्कूल मेड ऑफ वुड, और वुड से बना हुआ क्या क्या चीज़ तुम्हारा घर में है बोलो, लिख पाओगे फाइव थिंग्स मेड ऑफ वुड, हाँ बोलो, हाँ फर्नीचर और हाँ 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 डोर्स विंडोज होगा ना, डोर्स विंडोज हाँ, और हाँ टेबल होगा। अच्छा सजेस्ट टू वेज बाय विच एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स टुवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन, है ना, सजेस्ट टू वेज बाय विच हाँ एवरीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हम सब भी जंगल को बचा सकते हैं, है ना, दो मेथड बताओ कैसे कैसे बचा पाओगे जंगल को, हाँ अच्छा एक चीज देखो, अरे रिधि जाना हु चॉइस इज बेटर, हु चॉइस इज बेटर, मदर्स चॉइस, क्यों ना वो रिधि चॉइस वाज वुड, है ना, डॉल्स हाँ गिफ्ट्स गिफ्ट्स मेड ऑफ वुड, तो वुड का खरीदोगे तो वुड कटर वाला क्या ज़्यादा जंगल काटेगा है क्या नहीं, वी शुड नॉट परचेज प्रोडक्ट्स और वी शुड नॉट परचेज थिंग्स मेड ऑफ वुड, व्हाई ना, इट विल हाँ इट विल इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ वुड कटर्स टू काट फॉरेस्ट, है ना, इट विल हेल्प द वुड कटर्स टू काट फॉरेस्ट, अगर सामान खरीदेंगे वुड का तो वुड कटर वाला और काटेगा जंगल है, और वुड बनाएगा सामान बनाएगा, इसलिए वी शुड नॉट परचेज थिंग्स मेड ऑफ वुड, ओके, इसलिए हर मदर्स चॉइस वॉज बेटर, क्वेश्चन नंबर वन में हर मदर्स चॉइस इज बेटर बिकॉज इट विल नॉट हेल्प द वुड कटर्स टू काट ट्रीज, ओके। अच्छा आगे देखो, तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे देते हैं, है ना, चैप्टर वो तो थ्री का हो गया, चैप्टर टू पार हो गया, अरे चैप्टर टू का देखो पहले, चैप्टर टू का पेज नंबर निकालो, पेज नंबर हाँ पेज नंबर 25, पेज नंबर इसका करवा दिए, चैप्टर वन का नहीं करा है ना, करेक्ट करेक्ट, चैप्टर वन का पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, चैप्टर वन का पेज नंबर 12 निकालो, हाँ देखो इम्पोर्टेंट कौन कौन है, क्वेश्चन डी का टू, हाउ आर फोर लिम्स कनेक्टेड टू द स्पाइन, थ्री भी इम्पोर्टेंट है, स्टेट द इम्पोर्टेंट, लेकिन टू ज़्यादा है, स्टेट द इम्पोर्टेंट, रिब केज इन आवर बॉडी, ना रिब केज प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स, ओके। अच्छा स्केलेटन तो नहीं है, रोल ऑफ इनर ईयर इन द प्रोसेस ऑफ हियर, इनर ईयर हेल्प्स इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, वो तो है ही, सिक्स वाला, टू और सिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब करोगे लेकिन ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा हाउ डज ए स्नेक डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी और प्रे, ए स्नेक डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी और प्रे बाय द हेल्प ऑफ इट्स टांग एंड स्किन, बाय द हेल्प ऑफ इट्स टांग एंड स्किन, दोनों लिख दोगे, टांग एंड स्किन। अच्छा हाउ डू बोन्स, व्हाई डू बोन्स हैव जॉइंट्स, ना बोन्स हैव जॉइंट्स टू मूव आवर, टू मेक आवर बॉडी फ्लेक्सिबल, बोन्स हैव जॉइंट्स टू मेक आवर बॉडी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल स्पेलिंग लिखो, एफ एल ई एक्स आई बी एल ई, बोन्स हैव जॉइंट्स टू मेक आवर बॉडी फ्लेक्सिबल, एफ एल ई एक्स आई बी एल ई, एफ एल ई एक्स आई बी एल ई, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, है ना, जॉइंट है इसलिए हमारा क्या बॉडी पार्ट्स लचीला है, मतलब घूमता फिरता है, वी कैन मूव आवर बॉडी, बोन्स हैव जॉइंट्स टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स, बोन्स हैव जॉइंट्स टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स, ये भी लिख सकते हो, बॉडी पार्ट्स, हाँ। और नंबर थ्री फोर, व्हाई इज बोन मैरो नोन एज फैक्ट्री ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स, बिकॉज ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी बोन मैरो, ठीक है, हाँ। और हाउ डज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क, ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना, हैज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैव टू बोन, है ना, वन बॉल
हाँ द एंड ऑफ वन इज अ बॉल हाँ बोलो बोलो बोलो। लाइक वन बॉल हैज ए बॉल लाइक एंड, वाई वन बोन हैज ए बॉल लाइक एंड एंड अदर बोन हैज ए सॉकेट, होलो सॉकेट, अदर बोन हैज ए होलो सॉकेट, द टू आर फिक्स टुगेदर, है ना। हाँ द टू आर फिक्स टुगेदर हाँ एंड एंड गेट इंटरलॉक्ड एंड गेट लॉक्ड अप, द टू आर फिटेड टुगेदर एंड गेट लॉक्ड अप, ताला मारा जैसा हो जाता, ठीक है ना। हाँ और हाउ डज इट, अच्छा ये भी फाइव वाला भी कर सकते हो, है ना। डॉग्स एंड बैट्स आर मैमल्स, आर ऑल्सो मैमल्स लाइक अस, डॉग्स एंड बैट्स, देखो मैमल्स लाइक अस, मैमल्स मतलब क्या, जो छोटा बच्चा जन्म देता है। और हाउ डज आवर सेंस ऑफ स्मेल, हाँ हाउ डज आवर सेंस ऑफ स्मेल कंपेयर विद दैट ऑफ ए डॉग एंड सेंस ऑफ हियरिंग विद दैट ऑफ ए बैट। ना डॉग्स हैव बेटर सेंस ऑफ स्मेल देन अस, डॉग्स हैव बेटर सेंस ऑफ स्मेल देन अस एंड बर्ड्स हैव बेटर सेंस, ये बैट्स हैव बेटर सेंस ऑफ हियरिंग देन अस, ओके। और हाँ देखो तो चलो पढ़ लेते हैं उसको, वही वाला क्वेश्चन का आंसर बुक में क्या लिखा है देखो। डॉग्स हैव ए हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, डॉग्स हैव ए हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ, अंडरलाइन करो, सेंस ऑफ स्मेल। और बैट्स का क्या है ना, बैट्स हैव ए स्पेशल पावर टू हियर हाई पिच साउंड, ठीक है। बैट्स हैव स्पेशल पावर टू हियर हाई पिच साउंड, ड्यू टू दिस एबिलिटी बैट्स कैन डिटेक्ट देयर प्रे यानी खाना इजिली इवन इन द डार्क, ठीक है, साउंड से पता कर लेता है दुश्मन है या खाने का चीज है। हाँ एंड दिस इज व्हाई, हाँ दिस इज व्हाई, दिस इज द रीजन व्हाई बैट्स हंट एट नाइट, दे डिटेक्ट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ हाई पिच साउंड नोन एज अल्ट्रासोनिक्स, देख बैट्स कैन डिटेक्ट देयर प्रे है ना विद द हेल्प ऑफ हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड कॉल्ड अल्ट्रासोनिक्स, हाँ अल्ट्रासोनिक्स, अल्ट्रासोनिक्स, ठीक है। अच्छा आगे देखो चैप्टर फाइव, चैप्टर फाइव में आ जाओ, चैप्टर फाइव पेज नंबर देखो, पेज नंबर 57, पेज नंबर 57। हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, ए बी सी तो सबका इम्पोर्टेंट है ही, डी का जो ज़्यादा नहीं तो इतना करना ही चाहिए। और डी का टू, राइट द टू सिम्टम्स ऑफ डिजीज वेरी वेरी, राइट द, हाँ ना डी का टू पेज नंबर 57, डी का टू चैप्टर फाइव है ना, डी का टू राइट टू सिम्टम्स ऑफ बेरी बेरी, बोलो तो बेरी बेरी का टू सिम्टम्स क्या है, टू सिम्टम्स ऑफ बेरी बेरी, टू सिम्टम्स ऑफ बेरी बेरी क्या है बोलो, एक्सट्रीम वीकनेस एंड पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट है ना, वेरी वेरी के देखो एक्सट्रीम वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। आज आगे देखो, और व्हाई व्हाई शुड वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड आवर होम्स, व्हाई शुड वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट, कोई नहीं या एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर, बिकॉज हाँ बिकॉज स्टैग्नेंट वाटर मॉस्किटोज, स्टैग्नेंट स्टैग्नेंट वाटर बिकम्स द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज, मॉस्किटोज बच्चा दे देगा तो घर हम भरा भर जाएगा हम सब का आसपास, ठीक है। आ ई का देखो वन थ्री और फाइव, टिक लगाओ, वन थ्री एंड फाइव, वन थ्री एंड फाइव, ठीक है। अच्छा और सिक्स का भी थोड़ा देख लो, थ्री सिक्स का भी, सिक्स का सिक्स का सिक्स का देखो पेज नंबर 66, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 है ना। डी का वन टू वन थ्री, स्टेट द टू फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू फैक्टर्स क्या क्या है, हाँ अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड वर्म, मॉइस्चर एंड वर्म, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फूड प्रिजर्वेशन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फूड प्रिजर्वेशन, हाँ ना ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके एंड कीप द फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा व्हाट हो गया ई क्या देखो, ई का वन टू फोर, गिव थ्री रीजन्स फॉर स्पॉयलेज ऑफ फूड, हाँ ना फूड गेट स्पॉयल्ड, फूड्स गेट स्पॉयल्ड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ रेट्स वर्म्स है ना, बर्ड रेट्स, हाँ रेट्स वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, रेट्स वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। अरे कौन गोल गोलमाल कर रहे हो,
अच्छा देखो थ्री फोर वाला एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन मतलब रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड। इट कैन बी डन बाय ड्राइंग द थिंग्स ड्राइंग फूड आइटम्स बाय सन, है ना। बाय इट कैन बी डिहाइड्रेशन कैन बी डन बाय सन ड्राइंग, सन ड्राइंग है ना, धूप में सुखाने से हो जाए। कैनिंग एंड बॉटलिंग इट इन्वॉल्व स्टेरिलाइजेशन ऑफ द कैंस एंड बॉटल्स एंड देन पैकिंग द प्रिपेयर्ड फूड एंड अगेन री स्टेरिलाइजिंग द कैंस एंड बॉटल्स इन बॉइल्ड वाटर फॉर 22 हाफ एन आवर, 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स। पैस्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेशराइज हीटिंग एंड क्विक कूलिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक मिल्क, हाँ, टू मेक इट, हाँ, टू किल द जर्म्स और टू मेक देम इनएक्टिव। हो गया, टू मेक देम इनएक्टिव, ठीक है। और डायग्राम डायग्राम बताए थे ना, डायग्राम में